डी स्टूडेंट्स नो वी आर डिस्कसिंग प्रमोटिंग सिस्टम प्रमोटिंग सिस्टम किस चीज के, के मतलब है प्रमोटिंग बेसिकली सेफ्टी सिस्टम को हमने प्रमोट करना है आर्गनाइजेशन के अंदर अगर सेमिनार वर्कशॉप्स ट्रेनिंग्स मेड्यूल डिवेल्प नहीं करेंगे सेफ्टी के मुतल तो इम्प्लाई के माइंड के अंदर ये चीज़ आप डिवेल्प नहीं कर सकते इसको हम कहते हैं प्रमोटिंग सिस्टम फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ़ द बेस्ट वे टू प्रमोट सेफ्टी इज टू डिज़ाइन इट इन टू टूल्स मशीन्स एंड टेक्नोलॉजीज विद विच पीपल इंट्रैक्ट इन दर्क प्लेस ऑन रूटीन बेसिस कि जो इम्प्लाई रूटीन में जिन मशीनों के साथ काम कर रहे हैं जिन टूल्स को यूज़ कर रहे रूटीन में उनकी ट्रेनिंग ओरटेशन सेशन इस तरह का डिज़ाइन करें कि एम्पलाई वो जो सेफ़्टी है उसको प्रमोट करें और वो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बन जाए इस तरह आप काफ़ी हद तक सेफ़्टी मैय को अडोप्ट कर सकते हैं प्रमोटिंग सेफ़्टी बाई एग्ज़ाम्पल इसका ये मतलब है कि आर्गेनाइजेशन के अंदर जो सेफ्टी पॉलिसीज़ हैं उनको इंप्लीमेंट किया जाए और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो जो मेड्यूल है वो जो एक्टिविटी है जो आपने डिज़ाइन करनी है उसको एक प्रैक्टिस के ज़रिए एक एग्जाम्पल के ज़रिए डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया जाए जब इंप्लाई को डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे फिर उसको प्रैक्टिस करना इम्प्लाई के लिए ईजी हो जाता है इसको हम कहते हैं प्रमोटिंग सेफ्टी बाई एग्ज़ाम्पल कंपनी सेफ्टी पॉलिसी The company safety policy should make it clear and safe work practices are expected of all the employees at all level at all the time. इसमें तीन चीज़ें हैं एक safety पॉलिसी होनी चाहिए हर वक्त उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और हर एक designation pe उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इसको हम कहते हैं कंपनी safety पॉलिसी कंपनी सेफ्टी पॉलिसी के अंदर फर्दर अगर देखा जाए तो उसमें यह है कि employees आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म their ड्यूटीज़ इन अ सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवामेंट इन अल्दी मैनर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लाई हेल्थ एंड सेफ्टी और हेल्थी मैनर और हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट जब इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली कंपनी की जो सेफ्टी पॉलिसी पहले से डिज़ाइन है उसके मुताबिक इम्प्लाई वहाँ पर काम करेंगे सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन डी ए स्टूडेंट्स मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ पहली बात यह है कि कंपनी सेफ्टी पॉलिसी ये एक जनरल गाइडलाइन है जिसमें रह के कंपनी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। तो हैं रूल्स एंड रेगुलेशन आपकी स्टेटमेंट्स हैं जिनके ऊपर अमल करके आप अपनी कंपनी सेफ्टी पॉलिसी को अचीव कर सकते हैं ऑर्गनइजेशन के अंदर रूल एंड रेगुलेशन को जब इम्प्लीमेंट किया जाता है और फॉलो किया जाता है फिर उसकी पॉलिसी के जो डिजायर आउटकम हैं उनको आप अचीव कर सकते हैं एम्प्लायर मस्ट इन्श्योर द सेफ्टी रूल्स एंड एनफोर्स ऑब्जेक्टिविटी एंड कंसिस्टेंटली इसमें दो चीज़ें हैं इम्प्लायर की सपोर्ट मैनेजमेंट की सपोर्ट ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और सिर्फ इनको एक दफ़ा वन टाइम इम्प्लीमेंट नहीं करना बल्कि उनको कंसिस्टेंटली वे में मुश्किल बुनियादों के ऊपर लेके चलना है इफ़ सम इम्प्लाई इज़ बिहेविंग अनएथिकली देन यू हैव टू कंट्रोल दैट पर्टिकुलर अनएथिकल बिहेवियर अब अनएथिकल बिहेवियर का यहाँ ये मतलब है कि जो कोड एंड प्रैक्टिस रूल एंड रेगुलेशन डिफाइन है उसके मुताबिक कोई अगर इंप्लाई काम नहीं कर रहा उसको आपने समझाना है गाइड करना है ट्रेन करना है इसको हम कहते हैं सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन टू अवॉइड कॉस्टली लिटिगेशन जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेशन होती है उसके बाद वो चीजें चली जाती हैं लिटिगेशन में लिटीगेशन कानून को कहते हैं कानूनी प्रोसेस को कहते हैं कानून के अमल दखल को कहते हैं अदालतों के निज़ाम को कहते हैं कि वो अगर प्रैक्टिस अन प्रैक्टिस हो रही है वहाँ पर या जो आपका एथिकल बिहेवियर के बजाय अन एथिकल बिहेवियर है और किसी किस्म की इंजरी हो जाती है तो वो एम्प्लाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं बैठेगा बल्कि ही विल पुट सू अगेंस्ट एम्प्लॉयर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन फिर एम्प्लायर को बहुत सा पैसा पे करना पड़ेगा कानूनी तौर पर उस लिटिगेशन को ओवरकम करने के लिए या उसका डिसीजन अपनी फेवर में लेने के लिए ही आर शी विल अपॉइंट लाइवर हु दे विल डिफेंड द केस इन द फेवर ऑफ आर्गेनाइजेशन इसके दो नुकसान हैं बहुत ज़्यादा पेमेंट देनी पड़ेगी लिटिगेशन की कास्ट की फ़ी में नंबर टू आर्गेनाइजेशन की रिप्यूट भी सफल होगी इन चीज़ों से बचने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के रूल एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करें कि तमाम इम्प्लॉय फ्राम पी एम टू सी ई ओ ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन उसको फॉलो करें कंसिस्टेंसी मीन्स डेट रूल्स आर इन द सेम मैनर एवरी टाइम विद नो रिगार्ड टू एनी आउटसाइड फैक्टर पोलिटिकल इकनॉमिक सोशो टेक्नोलॉजिकल लीगल इन सब फैक्टर से हट के जो भी पॉलिसी बनी है वह सब इम्प्लाई के लिए यकसा हो जब इम्प्लाई को फील होगी ये पॉलिसी सब के लिए यकस है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाना आसान हो जाती है इम्प्लाई पार्टिसपेशन इन प्रमोटिंग पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी पॉलिसी है वो उस वक्त तक नाकाम है जब तक एम्प्लॉई उसमें पार्टिसिपेट ना करें उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना करें इसी तरह ऑर्गनाइजेशन की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के अंदर ज़्यादा एम्प्लॉई की इन्वालमेंट रिक्वायर्ड है उसकी दो वजूहत हैं पहली वजह यह है कि वो इम्प्लॉ के लिए बेनिफिटेड चीज़ है दूसरा यह है कि वो इम्प्लॉयर के लिए बेनिफिटेड चीज़ है जब आप इसकी इंप्लीमेंटेशन ठीक करेंगे तो लिटिगेशन कहाँ से बच सकते हैं और इम्प्लॉई की हेल्थ एंड सेफ्टी को भी इंश्योर किया जा सकता है इम्प्लाई पार्टिसपेशन इन प्रमोटिंग सेफ्टी इम्प्लाईज शुड भी इन्वाल्व इन द डिवेलपमेंट इम्प्लीमेंटिंग मोनिटरिंग एंड फॉलोअप अगर ये चार काम आर्गेनाइजेशन में ठीक हो रहे हैं जिसमें पहला है डिवेलपमेंट इन्वॉलमेंट इम्प्लीमेंटेशन मोनिटरिंग एंड फॉलोअप तो बिलीव मी कि आर्गेनाइजेशन के अंदर जो हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसीज हैं उनके रिजल्ट बेहतरीन वे में आप अचीव कर सकते हैं सेफ्टी ट्रेनिंग सेफ्टी ट्रेनिंग हर लेवल पे रिक्वायर्ड है हर डेजिग्नेशन पे रिक्वायर्ड है पी एन टू सी ई ओ तक सब के लिए रिक्वायर्ड है और ये मैंडेटरी है इसके बगैर कभी भी आप डिजायर्ड गोल अचीव नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रमोट सेफ्टी इन दर्क प्लेस इज टू प्रोवाइड ऑल एम्प्लाइज विद ऑन गोइंग सेफ्टी ट्रेनिंग दुनिया के अंदर जितने भी सेफ्टी मैय हैं सेफ्टी की ट्रेनिंग्स हैं लेटेस्ट ट्रेनिंग्स हैं लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन को ऑर्गेनाइजेशन में लेके आए और ऑर्गेनाइजेशन उनकी प्रैक्टिस करें फिर ऑटोमेटिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन उन तमाम हर्डल से या उन तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अनएथिकल प्रैक्टिस हैं उससे बचा जा सकता है सुजेशन प्रोग्राम सुजेशन प्रोग्राम मस्ट मीट सर्टन क्राइटेरियाजेशन मस्ट रिसीव फॉर्मल रिस्पॉन्स एम्प्लाई जब आपको सुजेशन दे कि हाउ यू कैन डिवेल्प बेटर वर्किंग एनवाइट आप उसको एक्नॉलेज करें आर सुजेशन मस्ट बी आंसर्ड इमिजिएटली सुज को आंसर दें ऐसा नहीं है कि वो सुजेशन अनअटेंडेड छोड़ दें थर्ड मैनेजमेंट मस्ट मोनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिपार्टमेंट इन जनरेटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग द सुजेसन उन सुजेशन को मद्देनजर रख के हर डिपार्टमेंट की एवेल्युएशन को मोनिटर किया जाए और कंटिन्यूसली मोनिटर किया जाए इसकी मदद से सुजेशन प्रोग्राम्स की इम्प्लीमेंटेशन की वजह से भी आप काफी हद हाँ तक जो सेफ्टी मेयर्स हैं उनको आप इनहांस कर सकते हैं सिस्टम कॉस्ट एंड सेविंग मस्ट बी रिपोर्टेड हैंडल्ड प्रॉम्प्टली गुड आइडियाज मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड पर्सनैलिटी कंफ्लिक्ट मस्ट बी मिनिमाइज एम्प्लायर इम्प्लाई मैनेजर एम्प्लाई सुपरवाइजर सबॉर्डिनेट सम टाइम इनमें कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है इनको मिनिमाइज करें हर बंदे को सुने उसकी जॉब डेजिग्नेशन के मुताबिक उस बंदे को बेनिफिट्स फैसिलिटीज प्रोवाइड करें तो काफ़ी आदा के सुजेशन की मदद से भी आप ओवरकम कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स ये इसका सुजेशन परफार्मा है इसको अगर आप लोग प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करें तो इस फॉर्मेट में आप सुजेशन इम्प्लॉज से लेके और उनको ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं विजुअल अवेयरनेस सेवरल रूल्स ऑफ थम वो कौन से हैं कैन बी एंड द दस ऑफ एफर्ट्स टू मेक सेफ्टी विजुअल ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सेफ्टी विजुअल के जो सेफ्टी के मेजरमेंट्स हैं वो नजर आने चाहिए विजिबल होने चाहिए जो चीज़ इन है फर्ज करें कि सेफ्टी की आपने प्लानिंग की वो इनविजिबल है वो अच्छी बात नहीं है उसको विजिवुलाइज करें विजिबल करें आपको मालूम है कि जो परफॉर्मेंस होती है वो विजिबल है अनसर्टन सिचुएशन अराइज हो गई वो विजिबल है उसके पीछे प्लानिंग इनविजिबल है इसी तरह आप सेफ्टी के मैय को विजिबल बनाएं और इम्प्लाइज को इंशोर करें कि उसकी वो प्रैक्टिस करें इन्वॉल्व इम्प्लाइज इन डेवलपिंग द मैसेजेस दैट आर डिस्प्लेड ऑन साइंस एंड पोस्टर्स विच मस्ट बी डिस्प्लेड विद इन वर्कप्लेस प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइजेश साइन बोर्ड होर्डिंग्स बिल बोर्ड ब्रोशर मटीरियल ऑर्गेनाइजेशन में आवेजा होना चाहिए और सब एम्प्लाई उसके मुताबिक अपने प्रैक्टिस को ऊपर अमल करें दिस इज द एग्जाम्पल काशन नोटिस सेफ्टी शूज आर रिक्वायर्ड इन दिस एरिया दिस इज एग्जाम्पल कि अगर इस जगह पे सेफ्टी शूज नहीं होंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है तो ये एक एग्जाम्पल है डी स्टूडेंट्स ये चीज़ें डिस्प्लेड होंगी तो इम्प्लाई उनको देख के फौरन उस पर अमल दरामद करेगा इसको हम कहते हैं विजुअल अवेयरनेस दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल हार्ट हैट एरिया फायर डोर कीप क्लोज डोंट ऑपरेट विद आउट गॉड्स हार्ड हैट एरिया ये बेसिकली एग्जाम्पल्स हैं जो अभी मैंने आपको टीच किया डी स्टूडेंट्स तो ये चीज़ें बेसिकली विजुअलाइज करके ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्ले करके आप काफ़ी हद तक हैजर्ड्स सेफ्टी मेज़र्स को कंट्रोल कर सकते हैं